लोकल हेल्थ केयर 2017 से उड़ीसा में काम कर रहा है विद द पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो हमारे यहाँ कुछ 50 के आसपास सेंटर्स है। हम लोग डिजिटल डिस्पेंसरी लगाते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और सब सेंटर्स एज दे आर आइडेंटिफाइड बाई दी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो दीज डिजिटल डिस्पेंसरीज एक्चुअली प्रोवाइड टेलीमेडिसिन टू ऑल दी कैचमेंट पॉपुलेशन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड द सब सेंटर्स वेर एवर दीज डिजिटल डिस्पेंसरीज आर सिचुएटेड। एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्पेशलिटीज इंक्लूडिंग जनरल फिजिशियन दैट इज MBBS, ऑल दीज स्पेशलिटीज आर बींग प्रोवाइडेड बाई द डॉक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल डिस्पेंसरी यूनिट्स दैट वी हैव। वी यूज लिटमस MX एज द मशीन, वी यूज लिटमस DX एज आर सॉफ्टवेयर एंड वी ऑल्सो यूज हेलो लाइफ एज द इंटरफेस टू कनेक्ट द पेशेंट विद द डॉक्टर। सो दीज आर द थ्री मेजर इंस्ट्रूमेंट्स। द टू मेजर सॉफ्टवेयर दैट वी यूज आर बेसिकली आवर ओन सॉफ्टवेयर, वी हैव डेवलप्ड इट। दिस इज बींग यूज थ्रू द डिजिटल डिस्पेंसरी सेंटर्स दैट आर देयर। डिजिटल डिस्पेंसरी सेंटर्स नॉट ओनली प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी ऑफ द डॉक्टर्स बट ऑल्सो प्रोवाइड्स एग्जामिनेशन, टेस्टिंग एंड मेडिकेशन। सो देर आर थ्री थिंग्स दैट आर बींग प्रोवाइडेड इन अ डिजिटल डिस्पेंसरी, दैट इज कंसल्टेंसी, मेडिकेशन एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग वुड मीन एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो ये तीन चीज़ हम लोग वहाँ देते हैं। मेडिसिन भी वहाँ उपलब्ध है। जो भी पेशेंट आता है पहले डॉक्टर के साथ बात करता है थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देर इज़ अ नर्स दैट इज बीन स्टेशन्ड देयर। टेस्टिंग होता है, एग्जामिनेशन होता है। वो टेस्टिंग और एग्जामिनेशन का जो भी रिजल्ट होता है डॉक्टर के पास तुरंत चला जाता है। डॉक्टर उसके बेसिस पे प्रेस्क्रिप्शन जनरेट करता है। जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उसके हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। सो व्हेन अ पेशेंट वॉक्स इन, पेशेंट गेट्स कंसल्टेंसी विद अ डॉक्टर दैट कैन बी अ स्पेशलिस्ट, दैट कैन बी अ नॉर्मल जनरल फिजिशियन, गेट्स ऑल द टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन डन and then goes ahead, takes the medicine and goes away, which means everything happens in a span of 30 minutes. Normal system mein kya hota hai ki ek डेढ़ din time lagta hai, wo yahan cut down ho ja raha hai specially. Aur second is, jo aapka rural areas hai wahan jo doctors available nahi hai aaj ke date mein, wo doctors abhi available ho jayega with the help of digital dispensary. Sir, aap jaise keh rahe hain ki 2017 se ye global health care kaam kar raha hai, तो 2000 अगर देखा जाए 2019, 20 और 21 ये तीन साल में महामारी कोरोना, जैसे कोरोना वायरस है, तो इस तीन वर्ष में आप कितने लोगों के साथ जुड़ चुके हो? ये तीन साल में हम लोग का 50 के ऊपर सेंटर्स है और 9 लाख के ऊपर ट्रीटमेंट हो चुका है अभी तक। अराउंड 8.8 लाख पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड। अच्छा, दी लिटमस DX सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाई आस इज अ सॉफ्टवेयर विच एडहियर्स टू द स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट प्रोसीजर विच इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड, दैट द एडहियरेंस टू द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विच इज यूज बाई द डॉक्टर एट द डॉक्टर्स एंड, सो दैट द डॉक्टर इज गाइडेड कंप्लीटली to get the correct medication and the correct treatment. One important thing that needs to be noted here, that across the world the deaths, the reason for deaths, the third largest reason for death is medical errors. So medical errors ko rokne ke liye ye litmus DX banaya gaya hai, taaki there is a complete adherence to the treatment, no unnecessary medicines are prescribed and no unnecessary treatment is done by the doctor for the patient. This has a very unique feature of arresting the contraindications. Now there are three types of contraindications that we look into. One is drug to drug, that is medicine to medicine contraindication, drug to food, medicine to food contraindication, and drug to alcohol, that is medicine to alcohol. There are many cases where you will find that a person is already taking a drug, a medicine of something, and a new medicine once given will react with each other and there will be problems created in the patient.
So that gets arrested with the help of litmus TS. Thus, the medical errors are reduced and the standard treatment protocol is being adhered to. Sir, what will be the main focus in future? See, we will be expanding in Odisha more and more as we go along with the government. The government has got certain challenges here because of the center's current infrastructure and other things. They are sorting it out very well. So once that sort out is done, our centers will increase in Odisha. So as far as Odisha is concerned, this is it. Other than that, we are also present in other states. We are there in Madhya Pradesh. Around 550 centers have been contracted to us. We have also put up 100 centers in Rajasthan. We have a few centers in Bihar, Jharkhand and West Bengal. We are also present in 12 other countries other than India.